ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को आज के इस दिवस विजयदशमी कहो दशहरा कहो दोनों का एक ही अर्थ है, दस का मिटाना हरना दूर करना डिस्ट्रॉय करना और विजय प्राप्त करना। तो किसी भी तरह से ले चाहे क्या पांच कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय, क्योंकि ऐसे तो बाबा प्रवृत्ति मार्ग वर्तमान समय की जो प्रवृत्ति मार्ग है वो रावण उसका सूचक है, लेकिन हम सब तो बाबा के बच्चे हैं तो हम सब के लिए तो ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय उन पर ही पूरी विजय प्राप्त करें। इसलिए सभी को आज के दिन की बहुत बहुत मुबारक हो। रावण जलाते हैं क्या यहाँ पर? तो नहीं जलाते, नकी लेक पर जलाते हैं। ज्ञान सरोवर निवासियों की कितनी संख्या आएगी तुम्हें? 180। अच्छा, आज बाबा पूछते हैं कि क्या ये अनुभव होता है कि बाबा हमारे सदा स्नेही और सहयोगी हैं? बाबा सदा हमारे स्नेही और सहयोगी हैं, होता है अनुभव? कई कहते हैं कभी कभी तो सहयोग मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। किस सदा सहयोग मिलता है, किस किस को हमेशा रेस्पॉन्ड में बाबा का सहयोग अनुभव होता है? सदा सदा धीरे धीरे हाथ खड़ा करना। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। तो हमें क्या करना है? बाप समान बनना है ना, तो बाप समान बनने के लिए क्या करना है? हमें भी सदा स्नेही और सदा सहयोगी रहना है। तो आज बाबा कहते हैं सभी सदा स्नेही हो, सदा स्नेही। उसके लिए कौन कौन हाथ खड़ा करेंगे? जैसे बाप दादा सदा बच्चों के स्नेही और सहयोगी हैं, सभी रूपों से सभी रीति से सभी रूपों से सभी रीति से सदा स्नेही और सहयोगी हैं, वैसे ही बच्चे भी सभी रूपों से हर रीति से बाप समान सदा स्नेही और सहयोगी हैं। अब बाबा डेफिनेशन देते हैं, सदा सहयोगी व सदा स्नेही उसको कहते हैं जिसका एक सेकंड भी बाप के साथ स्नेह न टूटे, एक सेकंड भी बाप के साथ स्नेह न टूटे, वह एक सेकंड एक संकल्प भी सिवाय बाप के सहयोगी बनने के न जाए। सेकंड और हर संकल्प, तो ऐसे अपने को सदा स्नेही और सहयोगी समझते हो व अनुभव करते हो? कुछ सिर तो हिलाओ, नहीं करते हैं ना। बाप दादा के स्नेह व सबूत का प्रत्यक्ष प्रमाण देता है जो बच्चे भी बाप समान हैं
उनके भी स्नेह और संयोग का सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई दे रहा है। स्नेही आत्मा कभी भी छिप नहीं सकती। कितना भी कोई अपने स्नेह को छिपाना चाहे, लेकिन स्नेह कभी गुप्त नहीं रहता। टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ गिफ्ट देंगे, फोन करेंगे, पता लगता है ना। जहाँ भी एक तो कार्य से होता है, एक नेचुरल स्नेह होता है, एक कहीं थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, तो एकदम से पता लगता है कि इसकी एक्टिविटी ज़रा डिफरेंट चल रही है ना। बाबा कहते हैं स्नेह तो कभी छिपता नहीं है। स्नेह किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कर्तव्य से व सूरत से दिखाई अवश्य देता है। तो ये बाबा के प्रति भी जब स्नेह है तो किसी न किसी रूप से, किसी न किसी कर्तव्य से व सूरत से दिखाई जरूर देता है। तो कहाँ से शुरू करें? बाबा कहते हैं कि अपने सूरत को दर्पण में देखना है। नहीं, किसी को भी जब स्नेह होता है, लव होता है, तो उसके चेहरे से वो रौनक दिखाई देती है। तो अपने सूरत को दर्पण में देखना है कि मेरी सूरत से स्नेही बाप की सीरत दिखाई देती है। जैसे अपनी सूरत को स्थूल आईने में देखते हो, वैसे ही रोज अमृत वेले अपने आप को इस सूक्ष्म दर्पण में देखते हो। उठते हैं सवेरे, न चाहते भी बाथरूम में जाते, मिरर तो होता है सामने। तो बाबा कहते हैं इसी तरह से जैसे लक्षणों से हर आत्मा के लक्ष्य का मालूम पड़ जाता है। जिसको एम होती है तो उसकी चाल चलन से पता लगता है। वह लक्ष्य जब होता है वैसे लक्षण स्वतः ही होते हैं। तो अपने लक्षणों से लक्ष्य, अपने लक्षणों से लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप में कहाँ तक दिखाई देता है, तो अपने आप को चेक करो। एक सूरत से, दूसरा अपने लक्षणों से। किसी भी आत्मा को अपने फीचर्स से, उस आत्मा का व अपना फ्यूचर दिखा सकते हो। लेक्चर से फीचर दिखाना तो आम बात है, मतलब बोल करके बताना क्या भविष्य है वो तो एक कॉमन बात है, लेकिन फीचर से फ्यूचर दिखाना यही अलौकिक आत्माओं की अलौकिकता है। तो नया काम दिया ना बाबा ने कि बोलने से तो हाँ पता लगता है, लेकिन आपकी सूरत से उनको अपना फ्यूचर दिखाई दे। तो ऐसे मेरे फीचर्स बने हैं यह दर्पण में देखते हो। जैसे स्थूल सूरत है श्रृंगार से अगर सूरत को कोई देखे तो पहले पहले अटेंशन कहाँ जाएगा? बिंदी की तरफ जाएगा। नहीं, किसी ने श्रृंगार किया हुआ है सब कुछ तो पहले ध्यान जाता है उसके मस्तिष्क पर, बिंदी की तरफ। जैसे जो बिंदी स्वरूप में स्थित रहती हैं, अर्थात अपने को इन धारणाओं के
श्रृंगार से सजाती हैं, ऐसी श्रृंगारी हुई मूरत की तरफ देखते हुए सभी का ध्यान किस तरफ जाएगा? मस्तक में आत्मा ऐसे श्रृंगारी हुई मूरत की तरफ देखते हुए सबका किस तरफ ध्यान जाएगा? मस्तक में आत्मा बिंदी की तरफ। तो ऐसे ही कोई भी आत्मा आप लोगों के सन्मुख जब आती है तो उनका ध्यान आपके अविनाशी तिलक तरफ आकर्षित होना चाहिए, क्योंकि हम तो देखते हैं उनको आत्मिक भाव से, आत्मिक रूप से। हम लोग तो आत्मा ही देखते हैं ना जब लेक्चर देते हैं, चाहे व्यवहार में भी, परंतु उनको बिंदु दिखाई दे, उनको वो चमकता हुआ सितारा दिखाई दे। ऐसे कोई भी आत्मा आप लोगों के सन्मुख जब आती है तो उनका ध्यान आपकी अविनाशी तिलक की तरफ आकर्षित हो। वह तब होगा जब स्वयं सदा तिलकधारी होंगे। अगर स्वयं ही तिलकधारी नहीं तो दूसरों को आपका अविनाशी तिलक दिखाई नहीं दे सकता है। कितनी वंडरफुल सर्विस हो सकती है, लोग आत्मा ऐसे देख नहीं सकते, परंतु अगर उनको इस तरह से साक्षात्कार हो तो। अच्छा, पहले तो श्रृंगार की बात हुई। जिन्होंने प्रीत की रीति निभाई है वह प्रीत बुद्धि बने हैं। ऐसे प्रीत की रीत निभाने वाले बच्चों को सारे विश्व के सर्व सुखों की प्राप्ति सदाकाल के लिए होती है। जिन्होंने रीति निभाई है प्रीति की, उनको सदा सुखों की अनुभूति होगी। बाकी सभी को मुक्तिधाम में बिठाकर प्रीति की रीति निभाने वाले बच्चों को विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त कराते हैं। ये अच्छी बात है। वैसे तो सारी सृष्टि की आत्माएं बच्ची हैं, लेकिन अन्य सभी आत्माओं को अल्पकाल का सुख प्राप्त होता है, और जिन्होंने प्रीत की रीत निभाने वाले हैं उनको क्या होगा? आप लोग तो जवाब देते हैं हिंदी वाले ना, उनको क्या होगा? सदाकाल की प्राप्ति होगी। बच्चे हैं सबको, तो अल्पकाल की तो होती है, लेकिन आप सभी को सदाकाल की सुख की प्राप्ति होगी। ऐसी स्नेही बच्चों के सिवाय और कोई का भी सर्व संबंधों से सर्व प्राप्ति का पाठ नहीं है। जो प्रीत की रीत निभा रहे हैं उनको सर्व सुख है, सदाकाल की सर्व प्राप्ति है, और सर्व संबंधों की भी प्राप्ति है। प्रीत निभाने वाले बच्चों के ही बाप भी दिन रात गुणगान करते रहते हैं। बाबा भी ऐसे बच्चों के गुणगान करते हैं। जिससे अति स्नेह होता है तो स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सब कुछ उनके अर्पित करते हैं। तो ये स्नेह का सबूत है ना। तो सदा स्नेही और सहयोगी बच्चों के सिवाय अन्य सभी आत्माओं को मुक्ति धाम में एक किनारे पर बिठा देते हैं। बच्चे तो सभी हैं पर वो वहाँ बैठ जाएंगे। तो जैसे बाप स्नेह का प्रत्यक्ष सबूत दिखा रहे हैं, ऐसे अपने आप से पूछो कि सर्व संबंध, सर्व आकर्षण करने वाली वस्तुओं को अपनी बुद्धि से किनारा किया है तो सर्व रूपों से
सर्व संबंधों से और सर्व रीति से सभी कुछ बाबा को अर्पण किया है, सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से, हर रीति से, सिवाय बाप के कर्तव्य के एक सेकंड भी और कोई व्यर्थ काम में अपना सहयोग तो नहीं देते ना। अगर स्नेह अर्थात योग है, स्नेह अर्थात योग है, तो सहयोग भी जरूर होगा। जहाँ योग है वहाँ सहयोग है। एक बाप से ही योग है तो सहयोग भी एक ही साथ होगा। जहाँ स्नेह है योग है सहयोग होगा। अगर कोई भी व्यर्थ कर्म में सहयोगी बनते हो तो बाप के सदा सहयोगी तो नहीं हुए ना। तो जो पहला पहला वायदा किया हुआ है उसको सदा स्मृति में रखते हुए हर कर्म करते हो। कहाँ कहाँ भक्तों की तरह आप बच्चे भी बाप से ठगी तो नहीं करते हो, जैसे भगत कहते रहते हैं परंतु करते कुछ है। तो बाबा पूछते हैं आप लोग तो ऐसी ठगी नहीं करते ना। भक्तों को कहते हैं ना भगत ठगत है, तो आप लोग भी ठगत तो नहीं बनते ना। अगर तेरे को मेरा समझ काम में लगाते, तेरे को मेरा समझ काम में लगाते तो उसको ठगत कहेंगे। कहना एक, करना दूसरा, इसको क्या कहा जाएगा। कहते भी यही है ना कि तन मन धन सब तेरा। तो जब तेरा हो गया फिर आप पर, आपका उस पर अपना अधिकार कहाँ से आया। जब अधिकार नहीं है तो उसको अपनी मन मत से काम में कैसे लगा सकते हो। जैसे समय व्यतीत करना है, धन है, संकल्प है, जहाँ चाहिए जैसे करते हैं, तो वो मन मत से हो गया ना। तो समर्पण जब है तो ऐसे तो नहीं मन मत से कर सकते ना। तो संकल्प को, श्वास को, समय को, ज्ञान धन को, स्थूल तन को, सब लिस्ट बताई बाबा ने, अगर कोई भी एक खजाने को मन मत से व्यर्थ भी गंवाते हो तो आपको क्या कहेंगे। हम तो नहीं कहलाना चाहते ना ये, तो बाबा कहेंगे उनको ठगत कहती हैं। कहना तो इसलिए बाबा कहते हैं, कहते तो यही हैं, जन्म जन्मांतर के संस्कार वश हो जाते हैं, यह कहाँ तक रीत चलती रहेगी। जो बात स्वयं को भी प्रिय नहीं लगती तो सोचना चाहिए कि जो मुझे प्रिय नहीं लगती वह बाप को कैसे प्रिय लगेगी। जब मुझे प्रिय नहीं लगती तो बाप को कैसे प्रिय लगेगी। तो सदा स्नेही के प्रति जो अति प्रिय चीज होती है वही दी जाती है। सोचते रहते ना क्या गिफ्ट दें, क्या गिफ्ट दें, जिससे स्नेह होता है। तो बाबा भी जो बात स्वयं को प्रिय नहीं लगती तो सोचना चाहिए, जो मुझे प्रिय नहीं लगती वे बाबा को कैसे प्रिय लग सकती है। तो सदा स्नेही के प्रति जो अति प्रिय चीज होती है वह दी जाती है। तो अपने आप से पूछो कि कहाँ तक प्रीत की रीत निभाने वाले हो। फिर आगे बाबा पूछते हैं, अपने को सदा हाईएस्ट एंड होलीएस्ट समझ कर चलते हो। जो हाईएस्ट समझ के चलते हैं उन्हों का एक एक कर्म, एक एक बोल इतना ही हाईएस्ट होता है। कितना हाईएस्ट होगा, कितना हाईएस्ट होगा बताओ।
आज सब एक्टिव बैठे हैं ना, कितना हाईएस्ट होगा, इतना 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 कितना, जितना बाप हाईएस्ट, अर्थात बाप ऊंचते ऊंचे हैं, क्योंकि बाबा के लिए गाते भी है ना कि ऊंचा उनका नाम, ऊंचा उनका धाम और ऊंचा उनका काम, नाम धाम और काम। तो जो हाईएस्ट है वह भी सदा क्या करेंगे, ऊंचे नाम ऊंचे धाम और ऊंचे काम में तत्पर रहेंगे। कोई भी नीचाई का कार्य कर ही नहीं सकते। जैसे जो महान आत्मा बनते हैं वह कभी भी किसी के आगे झुकते नहीं हैं। महान आत्मा तो नहीं झुकेगी ना किसके आगे, उनके आगे सभी झुकते हैं, तब उनको कहा जाता है महान आत्मा। कोई भी नीचाई का कार्य कर नहीं सकते हो, तो बाबा कहते हैं कि जो आजकल की महान आत्माओं से भी महान कौन है वो, है कोई यहाँ पर बैठा है क्या है? किसके लिए बाबा कह रहे हैं, जो आजकल की महान आत्माओं से भी महान श्रेष्ठ आत्माएं, बाप की चुनी हुई आत्माएं हैं, विश्व के राज्य के अधिकारी हैं, बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, और सुनेंगे विश्व कल्याणकारी हैं, कितने टाइटल मिले, अधिकारी हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, ऐसी आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में वह माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में क्या अपने आप को झुका सकती हैं। बाबा कितनी पोजीशन देते हैं हमको, कितने टाइटल्स देते हैं। आजकल के कहलाने वाले महात्माओं ने तो आप महान आत्माओं की कॉपी की है। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं कहां भी किसी रीत से भी झुक नहीं सकती हैं। वह तो झुकाने वाले होते हैं, न कि खुद झुकने वाले होंगे। कैसा भी माया का फोर्स हो लेकिन वो झुक नहीं सकते, क्योंकि कोई काम ऐसा करेंगे आकर्षण होगी तो झुकते हैं ना। जैसे कोई काम ठीक नहीं किया है, राइट नहीं है, तो बाद में कंधा झुकाना पड़ता है ना। और या किसी बात की कहीं अट्रैक्शन होती है तो झुकना होता है। वे झुकाने वाले हैं ना कि झुकने वाले, इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे माया को सदा झुकाने वाले कहाँ कहाँ झुक करके भी देखते हैं। जब अभी से ही सदा झुकाने की स्थिति में स्थित होंगे तो ऐसे श्रेष्ठ संस्कार अपने में भरेंगे, तो ऐसे हाईएस्ट पद को भी प्राप्त करेंगे। जो सत्युग में प्रजा समान से झुकेगी, सत्युग में प्रजा समान से झुकेगी और द्वापर में भिखारी के रूप में झुकेंगे, चाहे द्वापर में लें चाहे सत्युग में लें, तो आप लोगों के यादगार के आगे भगत भी झुकते रहते हैं। अगर यहाँ अभी माया के आगे झुकने के संस्कार समाप्त नहीं हुए, अगर यहाँ अभी माया के आगे झुकने के संस्कार समाप्त नहीं हुए, थोड़े भी झुकने के संस्कार रह गए, तो झुकने वाले झुकाने वालों के आगे सदा झुकते रहेंगे। कोई भी संस्कार रह गया तो एक्ट करेगा। तो लक्ष्य क्या रखा है,
झुकने का लक्ष्य है या झुकाने का लक्ष्य है? झुकाने का है ना, तो वो अपनी ही रची हुई परिस्थिति के आगे झुक जाते हैं। कोई भी परिस्थिति है, हम सोचते हैं किसी के कारण है, हमेशा सोचते हैं उसने किया उसने किया, पर हर परिस्थिति अपनी रचना है ना, किसी न किसी समय का कोई संस्कार हिसाब किताब परिस्थिति बन के आता है। तो अपनी ही रची हुई परिस्थिति के आगे झुक जाती हैं तो क्या उनको हाईएस्ट कहेंगे? जब तक हाईएस्ट नहीं बने हो तो क्या नहीं बन सकते? बोलो बोलो, ठीक बोल रहे हैं। तब तक होलीएस्ट भी नहीं बन सकते। अब बाबा, पहले तो हम सोचते होलीएस्ट जो है वो हाईएस्ट है, आज बाबा कह रहे हैं हाईएस्ट बनेंगे तो होलीएस्ट भी बनेंगे। नहीं, दोनों का बाबा ने स्पष्टीकरण किया है। जब तक हाईएस्ट नहीं बने हो तो होलीएस्ट भी नहीं कहा जाता है। जैसे आपके भविष्य यादगारों का गायन है संपूर्ण निर्विकारी, तो इसको ही होलीएस्ट कहा जाता है। जब संपूर्ण निर्विकारी कहते हैं, अर्थात किसी भी परसेंटेज में कोई भी विकार तरफ आकर्षण न जाए और न ही वशीभूत हो, आकर्षण भी न जाए और वशीभूत भी न हो। अगर स्वप्न में भी किसी प्रकार से विकार के वश किसी भी परसेंटेज में होते हैं तो संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। अगर स्वप्न दोष भी है या संकल्प में भी विकार के वशीभूत हैं तो कहेंगे कि विकारों से परे नहीं हुए हैं। कितनी डेफिनेशन बाबा क्लियर कहते हैं। ऐसे संपूर्ण पवित्र वा निर्विकारी अपने को बना रहे हो या बन गए हो? बना रहे हो कि बन गए हैं? क्या कहेंगे? बना रहे हैं कि बन गए हो? कहेंगे ना बन गए, नहीं कहेंगे? इसमें तो मार्क्स लेनी पड़ेंगी ना प्योरिटी में। जिस समय लास्ट बिगुल बजेगा उस समय क्या बनेंगे? ये तो नहीं कि जब बिगुल बजेगा तो कहेंगे बस 5 मिनट 10 मिनट और कुछ दिन चाहिए, नहीं। उस समय ही फिर, आज विजय दशमी है तो उस समय विजय प्राप्त करनी होगी। अगर कोई बहुत समय से ऐसी स्थिति में स्थित नहीं रहता है तो ऐसी आत्माओं का फिर गायन भी अल्पकाल का ही होता है। कहेंगे ना कभी ऐसे है कभी ऐसे, कभी तो ठीक, दूसरे भी इसी तरह का सर्टिफिकेट मिलता है ना। तो ऐसे नहीं समझना कि लास्ट में फास्ट जाकर हम स्थिति को पा लेंगे। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, हम तो कर लेंगे, हम तो पहुंच जाएंगे, तो लास्ट तक छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, बहुत समय का जो गायन है उसको भी स्मृति में रखते हुए अपनी स्थिति को होलीएस्ट और हाईएस्ट बनाओ। क्योंकि जितना लंबा समय लॉन्ग टर्म वो स्थिति होगी, यानी अंत में बन जाएंगे, तो वो तो फिर शॉर्ट टर्म अल्पकाल की होगी ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी संकल्प व कर्म करते हो, अब उसके लिए क्या विधि है? अब पहले चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम है वैसा ऊंचा हमारा काम है, चाहे संकल्प चाहे वाणी चाहे कर्म। अगर नाम ऊंचा और काम नीचा तो क्या होगा?
हर बात में, चाहे मर्यादाओं में, चाहे हमसे जो कि हम करते हैं, सिस्टम है, जो कुछ है, जितना ऊंचा नाम है उतना ऊंचा काम होना चाहिए। तो अपने नाम को बदनाम कर देते हो, अगर इतना ऊंचा नहीं करते हैं, अच्छा बीके भी तो ये करते हैं ना, बीके भी तो ये होता है, बीकेज में भी तो ये होता है ना, ये सब वातावरण बन जाता है। तो ऐसा कोई भी काम नहीं हो, यह लक्ष्य रखकर ऐसे लक्षण अपने में धारण करो, जैसे दूसरे लोगों को समझाते हो ना कि अगर ज्ञान के विरुद्ध कोई भी चीज स्वीकार करते हो तो ज्ञानी नहीं अज्ञानी कहलाए जाएंगे। दूसरों को कहते हैं, अपने को भी वो स्मृति है, अगर एक बार भी किसी नियम को पूरी रीति से पालन नहीं करते तो कहेंगे कि ज्ञान के विरुद्ध काम किया। तो अपने आप से भी ऐसे ही पूछो कि अगर कोई भी साधारण संकल्प करते हैं तो क्या अपने को हाईएस्ट कह सकते हो। तो संकल्प भी साधारण नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कोई कुछ कार्य कर रहा होता है, उचित नहीं है, पर हम लोग जो इतना सोच लेते हैं उसका क्या होगा, करने वाले का तो चलो ठीक है भाई राइट नहीं है, पर सोचने में, बोलने में, उसके ऊपर कमेंट करने में, तो वो किस खाते में जाएगा ना। तो दोनों तरह से सोचना होता है, हर बात की बात होती है, लिमिट है, फिर हम क्यों अपने संकल्प इतने चलाएं, हम क्यों इतनी वाणी में कोई भी वार्तालाप में आए या वातावरण बनाए, इसे बहुत अटेंशन रखना होता है। तो बाबा कहते हैं जब संकल्प, तो अपने आप से पूछो कि अगर कोई भी साधारण संकल्प करते हैं तो क्या हाईएस्ट कहा जाएगा। तो संकल्प भी साधारण ना हो, जब संकल्प श्रेष्ठ हो जाएंगे तो बोल और कर्म तो ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाएगा। तो ऐसे अपने को होलीएस्ट और हाईएस्ट संपूर्ण निर्विकारी बनाओ, विकार का नाम निशान भी ना हो। जब नाम निशाने नहीं होगा तो काम कैसे होगा, नाम निशान होगा तो कभी कर्म में आ जाएगा, वाणी में आ जाएगा। तो जैसे भविष्य में विकार का नाम निशान नहीं है, ऐसे ही हाईएस्ट और होलीएस्ट अभी से बनाओ, तब अनेक जन्म चलते रहेंगे। तो अच्छा, ऐसे ऊंचे नाम और ऊंचे काम करने वालों को बाप दादा की नमस्ते। आज किन को नमस्ते मिली है, सबको के सबको नहीं, सेलेक्टेड लोगों को, हम ही है ना वो तो। तो इसलिए कहते हैं बाबा ऊंचा नाम, ऊंचा नाम, ऊंचा काम करने वालों को बाप दादा की नमस्ते। शॉर्ट मुरली है पर फिर संदेश है पीछे। आज की मुरली का वरदान है, सदा काल की अटेंशन द्वारा, उस दिन अटेंशन की कार्बन कॉपी थी और आज है सदा काल की अटेंशन द्वारा विजय माला में फिरोने वाले बहुत समय के विजयी भाव। तो आज की विजयदशमी पर बाबा की ब्लेसिंग है, बहुत समय के विजयी सदा विजय माला के मन के बनते हैं। तो विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो, जो बाप ने किया है वही हमको करना है। हर कदम पर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प, जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल, तब विजयी बनेंगे।
तो यह अटेंशन सदा काल का चाहिए, तब सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध होती है। अगर सदा का पुरुषार्थ सदा के पुरुषार्थ ही है तो सदा का राज्य भाग्य भी होगा। स्लोगन है, सेवा में सदा जी हाजिर करना यही प्यार का सच्चा सबूत है। सेवा में सदा जी हाजिर करना यही प्यार का सच्चा सबूत है।